नमो नमः। प्रवचन के बाद जो प्रश्नोत्तरी थी उसमें एक मित्र ने पूछा कि गुरुजी जो एकादशी है, जो परिवर्तिनी एकादशी है, उसके बारे में बताइए। तो मैंने बोला कि व्रत कथा ये बहुत आती है, एकादशी भी बहुत आती है, तो और उसकी हर एक की एकादशी की एक कथा होती है। तो भगवान विष्णु के एकादशी का मतलब होता है भगवान विष्णु के रेफरेंस से भी बात होगी ऐसा। तो उसने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे तो हम लोग यूट्यूब वीडियो में देख लेते हैं उसका महत्व क्या है, महिमा क्या है, आप हमको ये बताइए कि वो स्पिरिचुअल मीनिंग बताइए, जो आध्यात्मिक उसका क्या अर्थ होता है। तो मैंने इससे थोड़ा मैं भी मुस्कुराया और वो भी मुस्कुराया। उसको मालूम है कि जब गुरुजी को कुछ पूछेंगे तो कुछ ऐसी बात बताएंगे जो जीवन को बदलता है। तो मैंने बताया कि भाई जो शब्द है तो कौन सा शब्द है, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब चेंज इन द लाइफ। परिवर्तन क्या है, तो हर एक आदमी चाहता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। इसलिए जैसे आध्यात्मिक बात रहती है, एक रहता है धार्मिक बात, इसमें भगवान की बात आती है। जब आध्यात्मिक बात होती है तो आपसे शुरू होता है, तो पहले आप कौन है, तो ऐसा शास्त्र में बताया है कि भाई अहम नारायण, मैं नारायण हूँ, चिदानंद रूपम शिवो हम, मैं शिव हूँ। तो यदि परिवर्तन चाहते हैं आप जीवन में, तो एक दिन तय कीजिए। तो क्या होता है कि आप एक काम कीजिए, जैसे आप क्या चाहते हैं, तो हेल्थ चाहते हैं, तो ऐसे तय कीजिए कि कल से मैं कसरत करूँगा। तो जैसे ही एकादशी आती है तो उसका तीन मीनिंग होता है। पहला मीनिंग है कि प्रभु की भक्ति करो। विष्णु कौन है, तो जो व्यापक है उसको हम भगवान विष्णु बोलते हैं। तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो व्यापक है, अत्र तत्र सर्वत्र है। तो आप में जो चेतना है वो व्यापक है, होल यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड। वंस यू इंटरफेयर विद वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मैसेज गोज टू एंटायर यूनिवर्स। तो आपके अंदर जो व्यापकता है उसका आपको विकास करना है। तो ये पहली जो बात हुई वो व्यापकता की बात है। दूसरी बात है भक्ति की। तो भक्ति क्या होती है, जैसे हम लोग भगवान का स्वीकार करते हैं, तो यदि आप कोई ऐसे चीज को आप स्वीकार कीजिए कि आपके भीतर एक अनंत शक्ति है। मेरे साथ बोल सकते हैं कि मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। तो ये जो आपके भीतर की जो शक्ति उसको जगाना है। अभी परिवर्तनी एकादशी का जो आध्यात्मिक मूल्य बहुत है, तो जैसे वामन रूप है, ओ वामन भगवान भी की कथा उससे साथ जुड़ी हुई है, उसका मतलब आप वामन है मगर विराट बन सकते हैं। यू कैन चेंज योर लाइफ। लोग बताते कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई आदमी बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो सोचता है कि मेरे पास जो रिसोर्सिस है वो कम है। तो प्रभु बताते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप जो है आपके भीतर अनंत शक्ति है और भगवान का नाम अनंत भी है। तो अनंतम वही मनः, ओ मन का भी नाम अनंत है। तो पहली जो बात मैंने बताई भगवान विष्णु की व्यापकता की बात बताई, फिर दूसरी मैंने जो बात बताई थी आप ऐसे किसी का स्वीकार कीजिए, एक्सेप्टेंस कीजिए। लोग क्या होता है, अहंकार इतना बढ़ जाता है तो किसी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो एक मेटा मॉडल या कोई को तय कीजिए कि ये मेरा जो आदर्श है, आदर्श को तय कीजिए। आपका एक आदर्श भी होना चाहिए कि आप उसी के रास्ते से चलेंगे। फिर तीसरी बात रहती है कि आपके आपको साधना करनी है। जब चतुर्मास आता है तो लोग साधना करने में जुट जाता है, मगर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं तो भगवान का नाम भी नहीं लेते, ध्यान भी नहीं करते, भक्ति भी नहीं करते हैं। तो परिवर्तिनी एकादशी का मतलब है कि आपके जीवन में परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन शुरू करो अभी से, डू इट नाउ। देखो, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब कर। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं सभी जो मेरे व्यूअर्स है जो देख रहे हैं उसको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी कोई एकादशी का नाम सुनते हैं तो उसमें होता है एक आता है, तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। एक व्यष्टि और समष्टि का सिद्धांत है, तो यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो जो प्रभु में शक्ति है आपके भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है। दूसरी बात जुड़ती है एकादशी से, व्रत और उपवास।
देखो उपवास का मतलब रहता है कि अन्न का जो है वो त्याग करना रहता है। लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, फिर विविध वानगी बना के खाते हैं, अलग अलग वानगी बना, वो ठीक नहीं है। आपको उपवास के दिन ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं खाना चाहिए, और यदि भूख सहन नहीं होती तो फलाहार कर दीजिए। यदि फलाहार भी, वो कहते हैं फल का आहार कीजिए, जैसे केला है, पपैया है, पपीता है, वो जो भी आपको, अनानास है, जूस पी लीजिए। और जूस जो रहता है वो शरीर से अपने जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो एकादशी का मतलब है शरीर को स्वस्थ रखो, उपवास करो। जैसे आपके एक शब्द सुना होगा ऑटोफागी, इंटरनेट से सर्फ कर लेना, गूगल में पूछ लेना, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो एकादशी है उसका बहुत महत्व है हेल्थ के लिए। तो पहली बात हुई हेल्थ के लिए सोचो, फिर दूसरा रहता है मन, विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम् रसोवर्ज्य रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लोग मुझे बताते कि गुरुजी ये जो मन है ना तो अपने वश में नहीं रहता है, तो हम क्या करें। तो मैं उनको बोलता हूँ आप एकादशी का व्रत कीजिए। तो बोलते हैं हमसे भूखा नहीं रहा जाता है, खाने की आदत पड़ चुकी है। तो मैंने उनको बताया कि आप पहले तो निराहार है, फिर ऐसा है तो रसाहार कीजिए, नहीं तो फिर कोई एक फल खाजिए। ऐसा नहीं कि चलो, जैसे लोग क्या रहते, एक आदमी मुझे मिला, उसने बोला मैं 6 केला खा लेता हूँ। अरे भाई उपवास का मतलब है कम खाओ। तो जैसे आप कम खाएंगे तो इट विल इंक्रीज योर हेल्थ, आपके हेल्थ पे बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, फिर मन रहता है। तो जैसे ही आप आहार का त्याग करेंगे एक दिन के लिए, जब उपवास रखेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो आपको शांति मिलेगी। तो शांति के लिए भी उपवास करो। और जो तीसरी बात है, तो आपको शरीर, मन और आपकी चेतना, तो चेतना को आप विकास करना है। जैसे जैसे आप साधना करेंगे, तो लोग अभी उपवास करते हैं चलो एकादशी का, मगर क्या रहता है कि वो एक पिक्चर देख लेते हैं 3 घंटे के लिए। तो मैंने उनको बोलता हूँ एक काम कीजिए, भगवान का जो विष्णु, एकादशी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, इसलिए जो भगवान का जो मंत्र है विष्णु भगवान का, मैं आपसे बताता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो ज्यादा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अनुष्ठान कीजिए। सुबह में जल्दी उठ जाइए, फिर अपने जैसे नित्य क्रम जब हो जाता है तो एक माला लीजिए, फिर शुरू कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्र में बताया है कि भगवान का नाम जो है ना वो वैखरी से बोलना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब श्वास की जरूरत पड़े तो आप क्या करो, नाक से श्वास लो। तो ऐसे ये भगवान विष्णु का महत्व बहुत है। तो जैसे जैसे आप भगवान का नाम लेंगे तो आपके अंदर जो ईश्वर की चेतना है वो जागृत हो जाएगी। तो ऐसे आपको धार्मिक अर्थ तो इंटरनेट से आप देख लेते हैं ऐसे बहुत से, मगर मैंने आध्यात्मिक अर्थ बताया। तो आज से आप परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। मैंने जो थंबनेल है उसमें भी परिवर्तन के लिए ऐसे बताया कि परिवर्तन कैसे होता है। तो परिवर्तन के लिए पहले शरीर है, फिर मन है और चेतना है। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद भी दिया कीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। चिदाकाश ध्यान जो चैनल है आपकी ही समझ लो, उसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर जो वीडियो है, अच्छा वीडियो बनता है, उसे लाइक कीजिए। फिर ये जो बातें हैं तो लोगों को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो जिसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको आगे वाली बहुत सी वीडियो है वो देखने को मिलेगी। अस्तु।